Can you see my screen? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. फिर आंसर्स व्हाट्सएप पे भेजने हैं। कौन से आंसर? पर आपने पीवाई क्यों नहीं करवाना आज? हाँ अभी अभी हो रही, एक मिनट है। ठीक है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के क्वेश्चन पीवाईक्यूज, नीड और एम्स, राइट? सर सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस बचा था अभी। हाँ वो ले लेंगे, साथ साथ ले लेंगे, ठीक है? यस सर। ओके ले लेंगे, वो तो जब क्वेश्चन आ जाएगा ना उस पे तो ले लेंगे। हाँ ठीक है ना, वो तो ज्यादा कुछ नहीं है ना। मियोसिस पे क्या होता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस टू हाफ, अंडरस्टैंड? और उसके वजह से बाद में फर्टिलाइजेशन में डिप्लॉयड कंडीशन मेंटेन होती है, तो दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गैमेटोजेनेसिस ना, राइट? यस सर। और वेरिएशन भी करते हैं, क्योंकि मियोसिस वन में जो पैकेटिन होती है ना उसमें होमोलोगस क्रोमोसोम रिकम्बाइन करते हैं, एंड दैट रिकम्बाइंड क्रोमोसोम्स आर ट्रांसमिटेड इनटू द गैमेट्स एंड इनटू द नेक्स्ट प्रोजेनी, सो देयर विल बी वेरिएशन इन देयर कैरेक्टर्स एंड वेरिएशंस लीड टू इवोल्यूशन, राइट? सो नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन, अभी आपको एक रूल पता है कि यहाँ पे कोई कॉमेंट नहीं करना है, ठीक है ना? यू कैन व्हाट्सएप मी योर आंसर, राइट? सो टाइम स्टार्ट नाउ। क्वेश्चन नंबर वन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू द G1 फेज, ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रोथ वन फेज और गैप वन फेज ऑफ इंटरफेज। तो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? जस्ट टैग टू मी। कैन यू सी इट? यस सर, भेज दिया आंसर। यस, या, आई गॉट इट। ओके okay. ये कौन फास्ट? ओके, सो द आंसर इज ऑब्वियसली डीएनए रिप्लिकेशन कब होता है, सॉरी G1 फेज में क्या होता है? ऑप्शन सीज, ऑप्शन देयर इज नो डीएनए रिप्लिकेशन ना, बट सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, क्योंकि मेटाबॉलिकली एक्टिव है तो ही ग्रोथ हो सकती है ना, नहीं तो ग्रोथ नहीं हो सकती। तो ये एक मुझे बता सकते हो कि किस टाइम सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव नहीं रहती? देखो G1 में तो होती है, S में तो होती है, G2 में तो होती है, किस फेज में मेटाबॉलिकली एक्टिव नहीं रहती सेल? हेलो, यस कैन यू अंडरस्टैंड माय क्वेश्चन? सर। यस इन सर। व्हिच फेज द सेल इज नॉट मेटाबॉलिकली एक्टिव, दैट इज माय क्वेश्चन नाउ। ये तो सिंपल क्वेश्चन है यार, तो आपको हो जाएगा ना, सबको पता है कि G1 में डीएनए रिप्लिकेशन नहीं होता। सर G0। G0 में सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव नहीं है भाई? सर एम फेज एम नो, अगर सेल लिविंग है तो मेटाबॉलिज्म उसको करना ही पड़ेगा ना। एस फेज में अगर सेल लिविंग है तो उसको मेटाबॉलिज्म करना होगा कि नहीं करना? हाँ, तो लिविंग सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, हर वक्त एक्टिव है। अगर वो डिफरेंशिएशन कर रही है ना G0, तो वैसे वो ज्यादा एक्टिव है, क्योंकि इट इज टर्मिनली डिफरेंशिएटेड, इट इज परफॉर्मिंग इट्स फंक्शन, राइट? बट फिर भी डिवाइड कर रही है तो भी एक्टिव है ना, ग्रोथ कर रही है तो भी, G1 G2 में है, S में भी एक्टिव है ना, क्योंकि S फेस करने के लिए DNA का डबल हो जाएगा, तो DNA का डबल होना मतलब DNA का मेटाबॉलिज्म ही हो रहा है ना। DNA रिप्लिकेशन का मतलब है DNA का मेटाबॉलिज्म, ये अंडरस्टैंडिंग? हाँ, क्या होगा? यस डीएनए का एनाबोलिज्म हो रहा है ना, पहले तो डीएनए से दो डीएनए बन रहे,
मतलब डीएनए का एनाबॉलिज्म हो रहा है ना, तो दैट इज अ डीएनए का मेटाबॉलिज्म, राइट। और हिस्टोन का भी बन रहा है ना, तो हिस्टोन के प्रोटीन्स वगैरह बनेंगे, ठीक है, तो ये मेटाबॉलिज्म हो रही है। तो हर वक्त हो रहा है, जब तक सेल जिंदा है तो हो रहा है। अगर सेल कोई रेस्ट ले रही है, मतलब रेस्ट तो ऐसे नहीं लेती, लेकिन सपोज सेल कोई सस्पेंशन में गई है तो भी उसका बेसिक मेटाबॉलिज्म चलता रहेगा, बेसिक मेटाबॉलिज्म चलता रहेगा। जैसे कि कोई ऑर्गेनिज्म अगर इसमें गया, मतलब हाइबरनेशन में गया, पता है ना हाइबरनेशन, एस्टिवेशन, यस सर, यस, यस सर। उस टाइम वो मेटाबॉलिकली एक्टिव तो नहीं, मतलब बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है, बेसिक मेटाबॉलिज्म चल रहा है उसका, सिर्फ जिंदा रहने के लिए उतना ही वो एनर्जी बना रही है कि जब जिंदा रह सके, ओके। बाकी उसको ग्रो नहीं करना है, उसका डीएनए का डबल नहीं करना है, वो मेटाबॉलिकली कम एक्टिव है। लेकिन अगर सेल वो मतलब सस्पेंशन में नहीं है, सस्पेंशन का मतलब ये नहीं है अभी G0 फेज नहीं है, ओके, उसकी एक्टिविटी रुक गई है, जैसे कि हाइबरनेशन, एस्टिवेशन, अंडरस्टूड, पॉजिंग, सस्पेंशन जिसको बोलते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, सो अंडरस्टूड दिस थिंग ना, सेल यस सर, सेल यस सर। मेटाबॉलिकली एक्टिव, मेटाबॉलिकली एक्टिव एक्टिव थ्रू आउट सेल साइकिल, थ्रू आउट सेल साइकिल, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड मोर एक्टिव इन G0 फेज, मोर एक्टिव इन G0 फेज, डन विथ मी? यस यस सर। ओके। और G0 फेज में ये रिप्लिकेशन नहीं होगा, ये तो S फेज में होगा, ये तो S फेज में होगा। ये कहाँ पे होता है? रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल सेल कंपोनेंट्स टेक्स प्लेस कहाँ पे होता है? एम फेज में वेरी गुड। तो एम फेज के लिए ना एनसीईआरटी एक लाइन बोलती है, क्या बोलती है? इट इज अ मोस्ट ड्रामेटिक फेज, मोस्ट ड्रामेटिक, बहुत सारा ड्रामा बनता है ना इसमें, बहुत कम टाइम में बहुत सारा, मतलब पूरा मूवी में कैसे 3 घंटे में सब दिखाते हैं, ठीक है ना, तो ऐसे ही 1 घंटे में सब वो सब सब खेल दिखाती है। सो मोस्ट ड्रामेटिक इवेंट, इवेंट स्टेज। और रीऑर्गेनाइजेशन, रीऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या होता है? डिसअपीयर होता है, रीअपीयर होता है। व्हाट इज रीऑर्गेनाइजेशन? डिसअपीयरिंग और रीअपीयरिंग। डिसअपीयरिंग अपीयरिंग प्रोफेज में तो डिसअपीयर होते हैं, टीनो फेज में फिर से रीअपीयर होते हैं ना, रीअपीयरिंग सर। हाँ, तो इसका मतलब है डिसअपीयरिंग और रीअपीयरिंग, डिसअपीयर, रीअपीयर, रीअपीयर। और दूसरी बात कि बाकी रीऑर्गेनाइज, रीऑर्गेनाइज मतलब एक से दो सेल बनते हैं ना, एक सेल में ये ऑर्गेनेल है, ये ऑर्गेनेल है, इधर इधर है, इधर इधर है, तो बाद में दो सेल बना ना, तो कहाँ ना कहाँ ये रीऑर्गेनाइज हो गए ना, फिर से नया सेल में रीऑर्गेनाइज हो गए ना। यस सर, ओके ओके, सो डिस्ट्रीब्यूशन, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। और क्या बोलेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन डॉटर सेल। तो आपको ये हर सेंटेंस का, हर थर्ड वर्ड का मीनिंग पता है, डिस्ट्रीब्यूशन इन डॉटर सेल, ठीक है। सो द आंसर इज यस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, योर टाइम स्टार्ट नाउ। यस, कम ऑन फास्ट। ये सीधा क्वेश्चन नहीं है वैसे, मतलब देखो एट द एंड ऑफ बोला है, इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, मीडियम लेवल 2 का हो जाता है। ऐसा नहीं होता कि बाबा लेवल 1 का क्वेश्चन, मतलब इसमें सिर्फ 4 सिंपल सिंपल मतलब ऑप्शन और बहुत बड़े बड़े सेंटेंस, मतलब लेवल 2 या लेवल 3, ऐसा नहीं होता। कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन होता है, बहुत उसको रीड करने के लिए बहुत टाइम कम लगता है,
लेकिन फिर भी वो ट्रिकी होता है, तो वो लेवल टू का या लेवल थ्री का हो सकता है। तो नॉट नेसेसरी कि बड़ा बड़ा लंबा लंबा क्वेश्चन डिफिकल्ट और छोटा छोटा क्वेश्चन इजी, कभी कभी उल्टा होता है। लंबा वाला क्वेश्चन थोड़ा टाइम लगता है रीड करने के लिए, लेकिन इजी होता है, इजी लेवल का होता है। और छोटा वाला क्वेश्चन ऐसे लगता है छोटा, लेकिन वो ट्रिकी होता है। तो वैसे थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ये, तो ये लेवल टू का क्वेश्चन है। यू अंडरस्टैंडिंग? यस यस सर। ओके। तो ये तो एट द एंड बोला, एट द एंड। देखो कि हम लोगों ने क्या देखा था कि ये जो जीवन थी ना, ये एम थी, ये जीवन थी, ये G2 एस थी, और ये जी टू थी। तो जीवन से बाहर हुआ था ना, यस सर। जीवन से बाहर हुआ था, एग्जिट फ्रॉम द जीवन। और यहाँ पे एरो दिखाया था, एट द एंड पे एरो नहीं दिखाया था। डायग्राम तो भी आपको याद होगा ना। यस सर। तो किसी को ऐसा लग सकता है कि एम के एंड में, एम के एंड में, लेकिन एम के एंड में नहीं होता। क्योंकि हम लोग ऐसा बोलते हैं क्या कि इट एग्जिट फ्रॉम द एंड ऑफ द जी एम फेज, नो तो सर, ऐसे जीवन। बोलते हैं नो सर। एग्जिट फ्रॉम द जीवन। तो फ्रॉम द मतलब है कहीं ना कहीं वो जीवन से है, तो एंड भी जीवन से ही है, एट द एंड ऑफ जीवन। ठीक है, एट द एंड ऑफ यस सर, जीवन। जीवन फेस। ओके, सो जीवन से बाहर मतलब एम एम के एंड में नहीं। ऐसा लग सकता है बहुत लोगों को कि ये जी एम के एंड में है। ओके, तो जीवन के एंड में। क्लियर है सबको ये? यस यस सर, क्लियर। यस सर। ये जी जीरो है, दिस इज नॉट जी जीरो। अरे बाप रे, ऐसा हो जाता है, हमारा नया पेज आता है हर वक्त। ये दिस इज नॉट द जी जीरो, ठीक है, ये जीरो जीरो नहीं है। यस सर। ओके नेक्स्ट। ये तो इजी वाला है, ये आपको पता होगा। यस बोल दो, मुंह से बोल दो, अभी टाइप करने में टाइम मत दो। एस फेस एस सर, फेस पे तो एस कोई फेस। शक की गुंजाइश नहीं ना। यस सर। ये देखो ना, आप ना अगर पीवाईक्यू देखेंगे ना, तो नीट का 2016 में दो एग्जाम हुआ था ना। तो नीट सेकंड वाला जो एग्जाम हुआ था ना 2016 में, वो टफ था, काफी क्वेश्चन टफ थे उसमें। और फिर से उसके बाद ये 2022 का, तो मेरे को अगर पूछेंगे ना, तो ये 2016 का सेकंड फेज का एग्जाम, और अभी का जो हुआ 2020 का, सॉरी 22 का, मतलब 22 का, वो एग्जाम यस बहुत टफ एग्जाम थे। सर, बायो टफ थी 2022 में तो। हर वक्त क्या होता है कि फिजिक्स टफ आती है, उससे कम आते हैं केमिस्ट्री, और सबसे रिलेटिवली इजी आते हैं बायोलॉजी, इस पर उल्टा था, इससे उल्टा था। और सिक्स इजी आई थी। हाँ, तो इसकी इसलिए आपको ना ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन के, इसलिए मैं भी फोकस कर रहा हूँ कि ट्रिकी क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करो, और बड़े बड़े लंबे लंबे क्वेश्चन पे, क्योंकि उस पर ना टाइम ज्यादा लगता है। ट्रिकी नहीं होते क्वेश्चन, लंबे लंबे हर क्वेश्चन ट्रिकी नहीं होते, लेकिन अगर वो इजी भी है, लेकिन उसको रीड करने के लिए ज्यादा टाइम लगेगा ना। अब ये क्वेश्चन कैसे, टच टू सॉल्व क्वेश्चन है ना ये, क्वेश्चन नंबर 5। यस सर, इजी भी है और इट यस इज टेकिंग हार्डली 3-4 सेकेंड, 5 सेकेंड, राइट। यस सर, वो यस ना ऐसा सर। नहीं था कि बहुत सारे क्वेश्चन टफ थे बायो में 2022 में, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन बहुत लंबे लंबे थे, लंबे लंबे। तो आपको टाइम कंट्रोल करना है, तो ऐसे बहुत क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे जिसमें बहुत ज्यादा वर्डिंग है, बहुत ज्यादा वर्डिंग है। और कुछ कम कम क्वेश्चन ही टफ थे, टफ थे। तो ये मेंटेलिटी भी नहीं बनाया, देखो हर पेपर में कुछ ना कुछ टफ तो पार्ट रहेगा, ठीक है ना। तो टफ है तो आप तो ही नहीं, सबको टफ है, लेकिन बच्चों का क्या होता है कि अगर वो कुछ क्वेश्चन पढ़ते हैं और उनको लगता है टफ है, तो उनको लगता है पूरा पेपर ही टफ है। तो दैट इज अ ना, वी अंडरस्टैंड, वी परसीव इन द रॉन्ग वे ना। यस सर, या यस सर। तो कोई लेबल नहीं करना है, लेबल नहीं करना है। ओके, ये थोड़ा सा अभी इस तरह के क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन फिर भी आपको अगर पता हो तो यू कैन, अदरवाइज विल गो। When cell has stalled DNA replication for which checkpoint be predominantly activated? सर ए ऑप्शन, G1 एंड G1/S। क्या बोले उनको, stalled, stalled DNA replication। देखो G1S मतलब क्या है कि
दो चेक पॉइंट होते हैं मेजरली, तीन चेक पॉइंट होते हैं एक्चुअली। एक चेक पॉइंट कब होता है कि G1 के एंड में और GS के स्टार्टिंग में, दूसरा होता है G2 के एंड में और M के स्टार्टिंग में, मतलब G1 S के बाउंड्री में और G2 M के बाउंड्री पे होता है। और तीसरा होता है चेक पॉइंट ये M मेटाफेज और एनाफेज के बाउंड्री में। यहाँ पे लिखता हूं मैं, सपोज ये चेक पॉइंट की बात करें तो ये सपोज M फेज है, ये है प्रोफेज, ये है मेटाफेज, एनाफेज और टिलोफेज। प्रो, मेटा, एना और टिलो, और उसको बोलते हैं हम लोग एम फेज। और ये जो इंटरफेज है उसमें है ये G1, ये S और ये G2। तो पहला चेक पॉइंट किस पे है? पहला चेक पॉइंट है एट द G1 एंड S. इस पे, यहाँ पे है, इस पे चेक पॉइंट, उसको बोलेंगे G1 चेक पॉइंट बोलेंगे, या बोल सकते हैं G1 S चेक पॉइंट। दूसरा है यहाँ पे, उसको बोलेंगे G2 चेक पॉइंट, या फिर बोल सकते हैं G2 M चेक पॉइंट। और तीसरा ये है फोर्थ चेक पॉइंट, सेकेंड चेक पॉइंट और थर्ड चेक पॉइंट यहाँ पे है, मेटाफेज और एनाफेज के बाद यहाँ पे है। ये उसको बोलते हैं मेटाफेज, एनाफेज, ट्रांजिशन ट्रांजिशन, राइट, चेक पॉइंट है ट्रांजिशन। तो ऐसे तीन चेक पॉइंट है। तो देखो कि G1 के एंड में और S के बिगिनिंग में सेल को चेक करना है कि अगर, मतलब जीवन की बात क्या होगा, एस होगा ना, तो एस होने के लिए क्या चाहिए? डीएनए जो होगा उसमें कोई डैमेज नहीं होना चाहिए। अगर डीएनए में कोई डैमेज है तो वो रिप्लिकेट नहीं हो सकता, एस नहीं हो सकता। तो उसको एंश्योर करना है कि बाबा पहले देख लो कि सब डीएनए नॉर्मल है क्या, अगर कोई एबनॉर्मल है तो वो आगे नहीं बढ़ेगा, कि आगे नहीं बढ़ेगा, अंडरस्टैंड, आगे नहीं बढ़ेगा, मतलब डीएनए डीएनए रिप्लिकेशन होगा ही नहीं। तो ये G1S नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें क्या पूछा है कि सेल हैज स्टॉल्ड डीएनए रिप्लिकेशन, मतलब इसका मतलब है कि सेल एस फेज शुरू कर रही है सेल, लेकिन एस फेज में सेल गई है, डीएनए रिप्लिकेशन शुरू है, लेकिन वो स्टॉल्ड हो गया है, पॉज हो गया है, डीएनए रिप्लिकेशन पॉज हो गया, मतलब वो तो शुरू हुआ था, मतलब उसका G1 निकल गया, S भी निकल गया, लेकिन S क्या हुआ, पूरा नहीं हुआ। क्यों नहीं पूरा हुआ? क्योंकि डीएनए हैज पॉज समवेयर। ओके, तो ये होगा कि जब तक डीएनए रिप्लिकेशन पूरा नहीं होता ना, तब तक सेल ये इसमें नहीं हो सकता, एम फेज में नहीं जा सकता, क्योंकि एम फेज के लिए क्या चाहिए? एम फेज के लिए क्रोमैटिन का डबलिंग होना चाहिए, क्रोमैटिड्स बनने चाहिए ना, हर क्रोमोसोम के सिस्टर क्रोमैटिड्स। और उसके एनाफेज में क्या होगा? मेटाफेज में सब क्रोमोसोम अरेंज हो गए इक्वेटर पे, और एनाफेज पे उसका सेंट्रोमियर स्प्लिट होगा, तो दो दो क्रोमैटिड बनने चाहिए ना हर क्रोमोसोम के। अगर हर क्रोमोसोम के दो क्रोमैटिड बनने हैं, मतलब क्रोमैटिन का डुप्लीकेशन होना चाहिए, वो एस फेज में हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये चेक पॉइंट क्या है? इट इज अ G2M चेक पॉइंट, इट इज अ G2M चेक पॉइंट। सीधे से बात है, डीएनए रिप्लिकेशन होने के पहले और डीएनए रिप्लिकेशन होने के बाद दो मेजर चेक पॉइंट्स होते हैं। डीएनए रिप्लिकेशन होने के पहले मतलब G1 के एंड और G S के स्टार्टिंग में, वो G1S चेक पॉइंट क्या देखता है कि सेल जो आगे जाके सेल का डीएनए डिवाइड होगा, क्या उसके लिए सेल रेडी है क्या, मतलब अगर सेल का अंदर का डीएनए नॉर्मल है, उसमें कोई डैमेज नहीं है, तो सेल एस फेज में जा सकती है। अगर उसमें कुछ ये डैमेज है तो उसको पहले रिपेयर करना पड़ेगा। तो ये G1S चेक पॉइंट क्या इंश्योर करता है कि वेदर देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ डीएनए रिपेयरिंग, अगर नहीं है तो एस फेज में जा सकते हैं, अगर है तो एस फेज में नहीं जा सकता, वो वहां पे रुक जाएगा। तब तक रुक जाएगी सेल G1 में, तब तक नहीं जाएगी एस में, जब तक उसका डीएनए पूरा का पूरा रिपेयर नहीं हो जाता। अभी डीएनए अभी रिपेयर हो गया, सॉरी अभी डीएनए रिप्लीकेट हो गया है,
सेल का ग्रोथ तो हो रहा है, लेकिन डीएनए जो पूरा का पूरा रिप्लिकेट हुआ है कि नहीं हुआ है? जब तक डीएनए पूरा रिप्लिकेट नहीं होता, तब तक सेल एम फेज में नहीं जा सकती, क्योंकि अगर पूरा सब डीएनए डबल नहीं हुए है तो क्रोमैटिड नहीं बनेंगे ना क्रोमोजोम के, तो वो है G2M चेक पॉइंट। यू अंडरस्टूड? यस यस सर। सर। ठीक है, अगर आपका आंसर आ रहा है तो फटाक फटाक से दे दो, अदरवाइज आई विल एक्सप्लेन। टाइम ज्यादा मत निकालो उसमें। ड्यूरिंग विच फेज और फेजेस ऑफ द सेल साइकिल अमाउंट ऑफ डीएनए इन अ सेल रिमेन्स 4C लेवल इफ द इनिशियल अमाउंट इज नोटेड एज 2C? आपका आंसर दे दो, मैं यहाँ पे शुरू कर रहा हूं। अमाउंट ऑफ डीएनए इन सेल रिमेन 4C इनिशियल अमाउंट 2C है। सपोज इधर इधर 2C है, इधर 4C होगा, इधर 4C होगा, और एम में प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है, टिलोफेज है। तो प्रोफेज में कितना? 4C, मेटाफेज में 4C, एनाफेज में 4C, टिलोफेज में कितना हो जाएगा? टू सी टू सी ठीक है। इसका मतलब है क्या भैया? ओनली ड्यूरिंग द G2, जी टू क्योंकि इन्होंने इन्होंने क्या देखा है, ये मतलब प्रोफेज मेटाफेज ऐसा नहीं ना, एम फेज। तो G0 और G1 में तो नहीं है, G1 में कितना है? 2C है, इधर भी 2C है, इधर 2C है। एस फेज के एंड में हो जाएगा, तो एस फेज में पूरा नहीं है ना, एस फेज के एंड में, एस के एंड में 4C हो जाएगा। एंड में कितना होगा? 4C। ठीक है, G2 एम में तो नहीं, क्योंकि एम के जो टिलो फेज है ना, टिलो पेज, उसमें तो 2C हो जाएगा ना, तो पर एम सर, नहीं जो होगा। एम फेज है उसके मैक्सिमम जो 3 सब फेजेस है, मेटाफेज, प्रोफेज, एनाफेज, पर हाँ, उसमें तो 4C है ना, पर मैक्सिमम वाला नहीं ले सकते हैं मैक्सिमम ऐसा नहीं, ऐसा केस। नहीं, ऐसा ऐसा मेजोरिटी पे नहीं चलता। ये पूरा सब फेज को कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक टिलो फेज नहीं होता तब तक मेटाफेज कंप्लीट नहीं है ना, सॉरी यस ये सर, एम फेज एम कंप्लीट नहीं। फेज, यस, ओके यस सर। ओके ओके ओके। क्योंकि ये मतलब ऐसी बात नहीं कि बाबा 3 फेज है तो ज्यादा है, ऐसी बात नहीं है। ये प्रिंसिपली क्या है कि एम फेज जब तक पूरा, मतलब एम एम फेज जब पूरा हुआ है तो 4C का 2C हो गया, ये मतलब है। डन? तो द यस आंसर इज सर, ओनली ओनली G2, जी टू। ओनली G2, ओनली G2। ठीक है, यस, इट्स अ डायग्रामेटिक क्वेश्चन। यस, फास्ट यून बिलो इज स्कीमेटिक। ठीक है, इधर क्या आएगा? लेबलिंग क्या आएगा? इधर प्रोफेज आएगा ना, प्रोफेज। यस सर, इधर क्या आएगा? मेटाफेज, इधर क्या आएगा? एनाफेज। एना इधर क्या है? टीलोफ, टिलोफेज। और ए का टीलोफेज, मतलब, ए का मतलब है क्या? कैरियोकाइनेसिस। और सी का मतलब क्या है? साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस, साइटो। ठीक है, ये क्या है? G0 फेज है ना, यस सर, ये G1 है ना, यस सर, यस सर, ये S है ना, यस सर, ये G2 है, और ये यस पूरा सर, A, मतलब A एंड C पूरा क्या है? एम फेज है। तो क्या पूछा है उसने? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इंडिकेशन ऑफ द स्टेज और फेज इन द सेल ऑप्शन साइकिल? बी सर सिंथेटिक ऑप्शन बी। फेज, हाँ ऑप्शन बी डी ऑप्शन बी, सिंथेटिक हाँ फेज, डी सिंथेटिक फेज, ये तो करेक्ट है, राइट? यस यस सर, सर। यस सर। ठीक है, यस, कम ऑन फास्ट। सर क्वेश्चन नहीं आया अभी।
लैगिंग है, यस सर। ठीक आ जाएगा। जरा पानी जो बढ़ गया, खबर पानी है हर चीज ज्यादा हो, बंद कर लूँ, लॉक लाउड लॉक 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 वो तो कड़ी कर लूँ। अरे अभी तक नहीं चेंज हुआ यस या यस यस। यस इतना टाइम क्या उसके आंसर? सर बी ऑप्शन। ओके बी ऑप्शन है ना, इसमें तो कंफ्यूज नहीं हो ना, G2F फेज फॉलोज एम फेज। नो सर। तो इसका नो क्या सर। एक्चुअली, एम फेज जी फॉलोज जी जी टू, टू एम फेज फेज फॉलोज जी टू, जी टू फेज जी टू एस फेज फॉलोज जी वन। जी वन, राइट। यस सर। सो दिस इज द वे। अभी क्वेश्चन आ गया ना, विच टिपिकल स्टेज इज नोन एज, ये तो आपको पता है, ये क्या है? ऑप्शन एस फेज है, ठीक ई है। ऑप्शन ऑप्शन यस हाँ यस। अभी 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 16 के लिए लेके जाओ, 16 के लिए। सर। ऑप्शन ए। वी यस नहीं भाई, बोलो मत ना, टाइप करो। बी ऑप्शन। टाइप करना भूल गए क्या? अभी ये तो छोटा क्वेश्चन नहीं था, इसलिए मैंने विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस गिव द करेक्ट सीक्वेंस। क्या बोल रहे हो, क्या करेक्ट है? सर बी। बी है कंडेंसेशन, क्रॉसिंग ओवर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअसेंबली, सेग्रीगेशन, नो टीलोफेज। सर। ऑप्शन ए बिकॉज अरेंजमेंट एंड इक्वेटर भी आना है। कंडेंसेशन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअसेंबली, अरेंजमेंट एट इक्वेटर, सेंट्रोमियर का डिवीजन, सेग्रीगेशन। ये पहले तो क्या है, पहले माइटोसिस का है ना, माइटोसिस में पहले क्या होगा? प्रोफेज, बाद में क्या होगा? मेटाफेज मेटाफेज, उसके बाद एनाफेज एनाफेज, उसके बाद टेलोफेज। देखो टेलोफेज प्रोफेज में क्या होता है, प्रोफेज में क्या होता है? कंडेंसेशन, कंडेंसिएशन। कंडेंसेशन हो गया, कंडेंसेशन। तो किस में कंडेंसेशन पहले? चारों में कंडेंसेशन पहले, ठीक है। मेटाफेज क्या होता है? इक्वेटर, इक्वेटर कहाँ पे आया? कंडेंसेशन, इट्स सी ऑप्शन। अरेंजमेंट इक्वेटर। एनाफेज में होता है सेंट्रोमेयर का डिवीजन, राइट, यस सर। और सेग्रीगेशन, और टेलोफेज में हो जाता है, तो सी आंसर है ना का? सर और कुछ है क्या? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअसेंबली भी तो होता है। किधर है ये, किस ऑप्शन में है? कंडेंसेशन, ए ऑप्शन में है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअसेंबली, अरेंजमेंट अरेंजमेंट एंड एट इक्वेटर। इक्वेटर, सेंट्रोमियर डिवीजन, सेग्रीगेशन, टेलोफेज। ये भी हो सकता है, राइट। सर हमने इसमें से सबसे एप्रोप्रिएट आंसर चूज करना होता है ना। यस यस एक मिनट। हाँ ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअसेंबली में दिया है ना, यस सर। और कहाँ पे दिया उसमें दिया न्यूक्लियर नहीं होगा। उसमें, और किसमें दिया है क्या? कंडेंसेशन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअसेंबली, क्रॉसिंग। ये तो नहीं, ये तो मिसिंग दोनों मियोसिस, क्रॉसिंग ओवर है इसलिए। ये तो मियोसिस हो गया, ये तो मियोसिस हो गया, तो सर वही ए ऑप्शन ही बेस्ट बनता है बिकॉज इसमें न्यूक्लियर राइट ना, मेम्ब्रेन डिसअसेंबली भी है। यस ठीक है। सर। ओके यस। वेरी गुड। और उसके बाद या दे दो अभी,
सर क्वेश्चन शो नहीं हो रहा, लैगिंग कर रहा है। 1 मिनट अभी आया सर, ऑप्शन बी सर, ऑप्शन बी सर, बी बी या डी सर, डी 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 सर, डी का है, का नेट पर स्पेलिंग के हिसाब से, स्पेलिंग के अकॉर्डिंग डी आएगा। वही वही ना, आपको ये क्या करेगी, नजर कैद करेगी एनटीए आपकी, राइट ना? यस सर, नजर कैद करने वाली है, तो ये हमें ठीक से पढ़ना है, ठीक है? ये तो जल्दी जल्दी में पहला ऑप्शन देख लिया, काइनेटिक को ये सपोज इधर काइनेटिक कोर होता, इधर काइनेटिक कोर होता तो जल्दी जल्दी में देख लिया और आंसर लिख लिया, तब तक का गोला बन गया, तो बाद में वो रिमूव नहीं हो सकता ना, सीबीटी तो नहीं है, ये तो पेन एंड पेपर मोड है एग्जाम का, तो हर ऑप्शन आपको देखना है, हर ऑप्शन आपको देखना है केयरफुली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ड्यूरिंग माइटोसिस एंड सोमैटिक सेल? यस बोल दो सर, ऑप्शन बी, बी साइनेप्सिस, ये होता है मियोसिस में ना सर, ऑप्शन बी। यस बेटा, मियोसिस में होता है, जाइगोटिन, जाइगोटिन में, तो नॉट बोला है ना, नॉट, तो ये बी। कुछ कट रहा है क्या क्वेश्चन का, कुछ हिस्सा नहीं ना? अभी 22 सर, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन ए, सेंटर में स्प्लिट होता है, बी ऑप्शन, इसमें सेंटर में स्प्लिट हो रहा है क्या? नो सर, स्प्लिट तो नहीं हो रहा है ना इसमें, दूसरा ऑप्शन बी, मेटाफेज क्रोमोसोम मूव टू स्पिंडल इक्वेटर, क्रोमोसोम्स मेटअप ऑफ टू सिस्टर क्रोमेटिड, राइट? यस सर, सेंटर में होगा तो ये क्या होगा, एनाफेज होगा, और ये तो क्या दिखा है, ये एक्चुअली क्या दिखा है, ये डायग्राम किसका है, ये मेटाफेज, 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 ठीक है। उसके बाद आएगा सर, ऑप्शन डी सर, डी क्रोमोसोम मूव टू स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट लैंड अलोंग इक्वेटोरियल प्लेट इन मेटाफेज, करेक्ट कुछ है ना, इसमें क्या रहोगे, रहोगे क्रोमेटिड सेपरेट बट रिमेन इन द सेंटर ऑफ सेल इन द एनाफेज, ये तो नहीं होता, ये तो सही है लेकिन ये गलत है, रिमेन इन द सेंटर ये तो गलत है, क्रोमेटिड स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स ये तो है, इन टेलोफेज ये तो पूरा टोटली रॉन्ग है, इस यहाँ से यहाँ पे यहाँ है ना वो एनाफेज के लिए है, लेकिन ये जो है ना ये कुछ अलग ही है, मतलब इसके लिए वो गलत ही है, बल्की कॉम्प्लेक्स एंडोलोगर रेटिकुलम साइज स्टिल विजिबल एट द एंड ऑफ प्रोफेज, डिसअपीयर एट द एंड ऑफ प्रोफेज, ओके ये विजिबल नहीं है, क्या है ये, डिसअपीयर, ओके डिसअपीयर, ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर ऑप्शन ए, ऑप्शन ए राइट, यस सर, यस सर, ओके। सर ऑप्शन ए, मेटाफेज पे आप काउंट कर सकते हो ना, यस सर, एक लाइन में सब ऐसे अरेंज है ना, ऐसे एक लाइन में अरेंज है, मेटाफेज प्लेट पे अरेंज है, राइट? और यहाँ पे कब रुक जाते हैं,
एक लाइन पे कब रुक जाते हैं, इफ द सेल इज ट्रीटेड विथ विच केमिकल, कॉल्चिसिन, किसके केमिकल से ट्रीटमेंट से, कॉल्चिसिन, वो आगे नहीं बढ़ते, मेटाफेज पे रुकते हैं क्योंकि स्पिंडल फाइबर पॉलीमराइज नहीं होते, क्योंकि ये जो कॉल्चिसिन है ना ये किसको अफेक्ट करता है, क्रोमोसोम को अफेक्ट नहीं करता, वो स्पिंडल फाइबर को अफेक्ट करता है। सर कैन यू राइट इट स्पेलिंग, सॉरी सर कैन यू राइट इट स्पेलिंग इसका, अपने केमिकल बताया अभी, कॉल्की की नहीं, कॉल्चिसिन ना बेटा बताया था, पढ़ाते वक्त बताया था ना आपको कि कॉल्चिसिन का एक केमिकल होता है, फैमिली लिलियसी एक प्लांट है, कॉल्चिकम ऑटमनेली, उसके रूट ट्यूबर से केमिकल निकालते हैं उसको बोलते हैं कॉल्चिसिन, और अगर सेल का मेटाफेज पे रुकवाना है तो हम उसको यूज करते हैं, तो ये स्पिंडल फाइबर्स जो है उसका पॉलीमराइजेशन रुकवा देता है, तो सेल के क्रोमोसोम जो है ना वो मेटाफेज पे रुकते हैं, आगे जाते नहीं, क्योंकि yes. मतलब बाद में ये स्पिंडल फाइबर बनते नहीं ना, डिसअसेंबल हो जाते हैं। ठीक है, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नहीं चेंज हुआ ना, यस सर, हो गया सर। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग precedes reformation of nuclear envelope during M phase of the cell cycle? Yes. सर ये फ्रैगमोप्लास्ट क्या होता है? फ्रैगमोप्लास्ट मैंने बताया था ना, याद नहीं आ रहा है कब बताया था। ठीक है, कोई और बताएगा फ्रैगमोप्लास्ट? देखो क्या होता है ना कि जब सेल प्लांट सेल का साइटोकाइनेसिस होता है तो हमें पता है कि प्लांट सेल का सेल वॉल है तो इट इज रिलेटिवली अनएक्सटेंसिबल, राइट? एनिमल सेल तो फ्लेक्सिबल रहती है, उतनी प्लांट सेल नहीं रहती, वो थोड़ी टफ रहती है, रफ रहती है, रिजिड रहती है सेल वॉल की वजह से। तो ये टेलोफेज तो हो गया, सपोज टेलोफेज हो गया तो उसके उसके बीच में क्या बनेगा, सेल प्लेट बनेगा, और ये सेल प्लेट दोनों तरफ बढ़ेगा और पूरा सेल का डिविजन होगा, साइटोप्लाज्म का दो सेल बनेंगे। तो ये सेल प्लेट कैसे बनता है, तो क्या होता है जो गॉल्गी बॉडी होती है ना वो गॉल्गी बॉडी वेसिकल्स बनाते हैं और वो वेसिकल्स एक दूसरे को फ्यूज होते हैं। गॉल्गी बॉडी क्या बनाती है, वेसिकल्स बनाती है और वेसिकल्स ये फ्यूज होती है एक दूसरे को और उसके वजह से बनता है फ्रैगमोप्लास्ट, फ्यूजन ऑफ गॉल्गी बॉडी वेसिकल्स। ओके, सो व्हाट इज फ्रैगमोप्लास्ट? यस सर, फ्रैगमोप्लास्ट का मतलब है फ्यूजन ऑफ गॉल्गी बॉडी वेसिकल्स, वेसिकल्स, और ये बाद में ये फ्रैगमोप्लास्ट फ्यूज होने से सेल प्लेट बनता है। मतलब देखो कि गॉल्गी बॉडी की वेसिकल्स, वेसिकल्स होती है फ्यूज, उससे बनता है सेल प्लेट, सॉरी क्या बोलते हैं, फ्रैगमोप्लास्ट, फ्रैगमोप्लास्ट, और ये आखिर में फ्रैगमोप्लास्ट फ्यूज होके बनता है सेल प्लेट। सेल प्लेट, सेल प्लेट मतलब एक्चुअली क्या होता है, सेल प्लेट सेल वॉल नहीं होता, सेल प्लेट सेल वॉल नहीं होता एक्चुअली, फ्यूज टू बिकम अ सेल प्लेट, वो एक्चुअली होता है मिडल लैमिला। क्या होता है ये, कैल्शियम पैक्टेट का मिडल लैमिला होता है और उसके दोनों साइड पे एक बार सेल प्लेट बन गई ना, जैसे जैसे सेल प्लेट बनती है ना उसके दोनों साइड यहाँ पे और यहाँ पे सेल वॉल बनता है, तो आगे आगे बढ़ी तो सेल वॉल बना, आगे बढ़ी तो सेल वॉल बना, ऐसे जैसे जैसे आगे बढ़ रही है सेल प्लेट उसके दोनों तरफ से सेल वॉल बन रहा है। ठीक है, ओके, यस सर, बोथ साइड्स क्या बनता है उसके, सेल वॉल बनता है, और ये होता है प्लांट सेल साइटोकाइनेसिस। कितना होता है ये, प्लांट ये साइटोकाइनेसिस में होता है।
उसको बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सेल प्लेट मेथड बोलते हैं। अब बोलो अभी क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा अभी? यस, टाइम खत्म होने को आया है। ये प्रिसीड का मतलब क्या है? प्रिसीड, प्रिसीड्स ऑफ सक्सीड्स, ये तो क्लियरली पता होना चाहिए। यस, ये प्रिसीड का मतलब क्या है? आगे प्रोसीड, आगे करना। सॉरी, प्रोसीड्स मींस आगे, प्रोसीड मतलब आगे और सक्सीड मतलब पीछे, उसके आगे क्या होगा? No. ठीक है, कोई बताएगा आंसर? सर शायद सी है। देखो ये फिजिक्स कौन से उस पर ध्यान दो। ओके, क्या लिखा है? फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीड्स फॉर रिफॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप। तो पहले ये ढूंढो कि न्यूक्लियर एनवेलप मतलब रिफॉर्मेशन मतलब क्या है? रिफॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप, इसका मतलब क्या है? ये कौन सी फेज है? ये टीलोफेज। एग्जैक्टली, क्या है ये? इट इज अ टीलोफेज। तो टीलोफेज के प्रिसीडिंग क्या होता है? साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस, तो उसमें क्या होगा? कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बनेगा एंड सेल फ्रैगमोप्लास्ट बनेगा, राइट? यस सर, यस सर। ओके, तो प्रोसेस का मतलब है आफ्टर, क्या मतलब है उसका? आफ्टर, आफ्टर, ठीक है। वैसे देखो आपके बाकी के जो ये है ना वो थोड़ा सा इररिलेवेंट ही है ऑप्शन, वैसे भी आपको पता चल सकता है वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 29। किसे बनता है माइटोटिक स्पिंडल? एक्टिन एंड मायोसिन से। किसके बनता है? एक्टिन एंड मायोसिन, एक्टोमायोसिन। ठीक है, से ट्यूबुलिन से नहीं बनता है क्या वो? हाँ 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 नहीं, क्या बोल रहे हैं आप? से ट्यूबुलिन, TUBULIN। हाँ, ट्यूबुलिन से बनता है, लेकिन उसके फिलामेंट बनते हैं बाद में ना, ये छोटे स्पिंडल फाइबर के। यस, हाँ, ये एक्टिन मायोसिन से बनते हैं। ठीक है, स्पिंडल फाइबर यूनाइट विथ विच स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम? काइनेटोकोर। काइनेटोकोर, ये आपको पता है क्या? क्रोमोमियर क्या होते हैं आपको पता है क्या? व्हाट इज क्रोमोमियर? हाँ, नो सर, नहीं बता। ठीक है, रहने दो, अभी कुछ जरूरत नहीं है। कोई कोई बुक ना मॉड्यूल में आपको ये वर्ड मिलेगा क्रोमोमियर, मतलब अभी नाम नहीं ले सकता मैं। रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग हो रही है ना हमारी? यस यस सर। हाँ, तो रिकॉर्डिंग है तो मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन इतना तो बोल सकता हूँ। एक मिनट, एक बहुत ही ब्रांडेड इंस्टीट्यूट के नोट्स में मॉड्यूल में ये क्रोमोमियर दिखा है मैंने, मतलब ये जो ये है ना, सॉरी, लेप्टोटिन स्टेज है ना, लेप्टोटिन स्टेज। यस सर, लेप्टोटिन स्टेज में इन्होंने ऐसी डायग्राम दी है। ऐसे डायग्राम दी है, ठीक है ना? और उन्होंने लिखा है कि यहाँ पे क्या है? क्रोमोमियर है। क्या है? क्रोमोमियर है, ऐसे दिखा है। एक्चुअली क्या है ना, ये एक्चुअली गलत है, क्योंकि ये जो ओल्ड लिटरेचर है ना, ओल्ड ओल्ड बुक है, डॉबसन्स के नाम के एक साइंटिस्ट की, एक पुरानी वाली जेनेटिक्स की बुक है, और भी है,
पुराने वाले जेनेटिक्स की बुक, और उसमें ना ये क्रोमोसोम के बारे में कुछ जो इन्फॉर्मेशन दी थी ना वो अभी अभी गलत साबित हो रही है। उसमें क्रोमोमियर मतलब क्या दिखा लिखा था, उसमें उसमें ऐसा लिखा था कि क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के सरफेस पे जो स्वेलिंग्स है उसको उन्होंने नाम नाम दिया था क्रोमोमियर। लेकिन बाद में जब ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर डिटेल में पता चला तो ये सब रूल आउट हो गया। ठीक है, ये तो बात आपको नहीं चाहिए। तो जो क्रोमोमियर होता है उसका मीनिंग क्या होता है बेसिकली? एक्चुअली क्रोमोमियर का मीनिंग है स्वेलिंग ऑन द क्रोमोजोम, लेकिन उसके बाद पता चला कि ऐसी कोई स्वेलिंग होती ही नहीं उसमें, तो कोई क्रोमोमियर नाम की कोई चीज नहीं है एक्चुअली यस सर, क्रोमोजोम में, तो वो बाद में पता चला रिसेंटली। लेकिन क्या होता है ना कि जब भी कोई इंस्टीट्यूट ऐसा बुक बनाता है ना तो उनको जहां पे से रेफरेंस मिला तो शायद उनको वेरीफाई करना चाहिए। एनीवे ये तो हमारे काम की चीज नहीं है अभी के लिए, तो यस कायनेटोकोर सर, तो आपको पता है राइट? यस सर, यस सर, यस, ये आप सॉल्व कर सकते हो अभी। हाउ मेनी माइटोटिक डिविजन्स आर नीडेड फॉर अ सिंगल सेल टू मेक 128 सेल? एक सेल है, एक माइटोसिस से होगा दो सेल, दो से दूसरे माइटोसिस से होगा चार सेल, उससे होगा आठ सेल। सर 7। तो ये कैसे पता चलेगा, फॉर्मूला क्या रहेगा उसका? क्योंकि ऐसे तो हम लोग बहुत टाइम लगेगा उसको ना, सर मल्टीप्लाई करके सर टू किसको? रेस टू पार एन, 2 raised to n इज इक्वल टू, इधर क्या होना चाहिए 21 28। तो n का मतलब क्या होता है अभी? 7 नंबर, सेवन। एन लेकिन फॉर नंबर ऑफ जेनरेशंस। यस इन नंबर ऑफ, लेकिन ये कैसे निकालेंगे सेवन कैसे आया अभी? टू सर एन, टू 128 इज रेस टू इक्वल टू 2 raised to power 7। एन 120। 8 इज इक्वल, उस 2 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 128 आता है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मुझे क्या पूछना था कि इस फॉर्मूला जो है ना 2 raised to n इज इक्वल टू 120, उस फॉर्मूला में n की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे? ये तो आपको पता है ठीक है, क्योंकि ये अब बहुत ज्यादा दिया है ना फिगर। सपोज सपोज ऐसे दिया है कि कोई 1000 में फिगर दिया है, 1000 में 1080 ऐसे कुछ, तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा ना, तो इसलिए फॉर्मूला चाहिए ना आपको सर एन माइनस वन करके वन, एन माइनस, सर तो क्या होगा इससे? ये आपको ये इसमें रिलेशन होना है 2 raised to n इज इक्वल टू 128। तो एन का 27 कहाँ पे आया, क्या कहाँ पे कुछ मतलब गड़बड़ की, कहाँ पे ट्रांस मतलब ये किया, इधर का उधर किया, शिफ्टिंग किया? ये हैव यू अंडरस्टूड माय क्वेश्चन? यस सर, हाँ, तो यहाँ यहाँ 2 raised to n इज इक्वल टू 128 आया ना। अगर आपको ऐसा आता कि ठीक है 2 raised to 7 इज इक्वल टू, तो आप निकाल देते ना 128। यस लेकिन सर, ये अभी आपको इक्वल टू 128 ये पता है, और ये बेस भी पता है, रेस टू नहीं पता है, तो रेस टू कैसे निकालना है? ठीक है, ये इसके लिए कोई फॉर्मूला आपको मिल रहा है तो ढूंढो, मेरे को मैथ्स नेक्स्ट में क्वेश्चन। पढ़ा है फॉर्मूला हाँ मैथ्स में पढ़ा है, सर, जनरल जब जनरल बेस मैथ्स। सेम होती है तो पावर्स इक्वेट हो जाती हैं। या तो ये मुझे चाहिए कल आपसे, क्योंकि ये फॉर्मूला आपको याद होगा तो आपका ये सही जाएगा, नहीं तो आपको ये मल्टीप्लिकेशन करते रहने में टाइम जाएगा ना। यस हाँ ठीक है, सर, तो ये मेरे से चाहिए, मेरे को चाहिए कल से आपसे। ठीक है, बेसिक मैथ्स भूलनी नहीं है। तो सो एन इज इक्वल टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द बेस स्टेज टू व्यू द शेप साइज एंड नंबर ऑफ क्रोमोजोम? मेटाफेज मेटाफेज। अभी देखा मैंने जब आपको पढ़ाया था ना तो मैंने ये सर, बोला था कि एनाफेज शेप, नहीं होता इसका। हाँ वही, रुके रुके मैं क्या बोल रहा, शेप के लिए ना, शेप के लिए क्या दिया था, एनाफेज दिया था, शेप तो इसमें यस शेप शेप दिया था, लेकिन ओवरऑल मॉर्फोलॉजी आपको देखना है ना, ओवरऑल मॉर्फोलॉजी। तो मेटाफेज आएगा। हाँ तो इसमें ओवरऑल मॉर्फोलॉजी, सिर्फ सिर्फ शेप ओनली दिया है तो एनाफेज, क्योंकि शेप यस शेप मेटाफेज में भी चला पता चलता है, लेकिन मोर क्लियरली चला पता चलता है एनाफेज में, मोर यस सर, क्लियरली। लेकिन ओवरऑल मॉर्फोलॉजी के लिए मेटाफेज, क्योंकि ये मेटाफेज, और ये कैसे मेटाफेज पे
मेटाफेज पे एक्चुअली सेल को रुकवाना है तो उसको कोलाइजेशन का ट्रीटमेंट देने के बाद होगा ये। तो आपको अगर क्रोमोसोम का मॉर्फोलॉजी पढ़ाई करना है ना, पढ़ना मतलब देखना है, तो ऐसे नहीं कि सेल को ले लिया, सेल का देख देख रहे हो अभी मेटाफेज में सिर्फ कुछ सेल मेटाफेज में मिल रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। उसको पहले कोलाइजेशन से ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो जो भी सेल मेटाफेज में रहेगा दैट विल अरेस्ट इन द मेटाफेज ओनली। ओके यस सर। यस सर। यस देखो अभी बाकी लोगों की रात हो गई ना, यस सर। वो तो बहुत पंक्चुअल है। ठीक है, बोल सकती हूँ इसका ये करके हम लोग रुक जा रहे क्योंकि टाइम भी हो गया। सर डी माइटोटिक एनाफेज डिफर फ्रॉम मेटाफेज इन द पोजिशनिंग। ओके, सेम नंबर ऑफ डी क्रोमोसोम बट हाफ नंबर ऑफ क्रोमैटिड, राइट। यस यस सर। सर। मतलब इधर क्या है, 2n ही है, लेकिन क्या है देखो, पहले क्या था, 2n 2c था, राइट। G1 में, S में क्या हुआ, 4C 2n, ये4C हुआ G1। G2 में, सॉरी, S में क्या हुआ, 2n 4c। बाद में G2 में क्या है, 2N प्लस 2n 4C 2n 4c। बाद में M, M के प्रोफेज में, टू प्रोफेज में फोर 2n सी 4c, टू एन फोर मेटाफेज टू में एन 2n 4c, फोर एनाफेज में भी वही 2n 4c, क्योंकि अभी तक सेल अलग नहीं हुआ है, क्रोमोसोम अलग हुए है लेकिन एक ही सेल में है ना, तो 2n 4c ही यस सर। बोलेंगे, ठीक है। हाँ, यस सर। और टेलोफेज में होगा 2n 2c, राइट। यस सर। यस सर। डिजोल्यूशन ऑफ सिनेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस में, अभी ये भी, ये मियोसिस के क्वेश्चन शुरू हो गए। डिजोल्यूशन ऑफ सिनेप्टिक डिप्लोटीन डिप्लोटीन, पैचिटिन मतलब पैच, पैच मतलब क्रॉसओवर, जायगोटिन, जायगोट मतलब पेयरिंग, डिप्लो मतलब टू, मतलब सेपरेशन ऑफ पेयरिंग, सेपरेशन ऑफ पेयरिंग, और लेफ्ट पेयरिंग, और लेप्टोडिन मतलब थ्रेड लाइक क्रोमोजोम विजिबल, क्रोमोजोम थ्रेड लाइक, क्रोमोजोम थ्रेड लाइक, क्रोमोजोम विजिबल, क्लियर। यस यस, सर। फिर इसमें आया डिसोल्यूशन, और इसमें क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ एसेंसी, फॉर्मेशन। ठीक है, यस सर। यस। जायगोटिन का कहाँ पे, सर इसमें क्या क्वेश्चन ही देगा, नहीं एक आया। एक मिनट है, एक मिनट आ जाएगा। आ गया ना, यस सर। यस सर। सर ऑप्शन बी। सर बी ऑप्शन ऑप्शन एका बी एका फोर फोर पहले इनका क्रॉसिंग क्रॉसिंग ओवर, थर्ड ओवर डिप्लोडिन का डियाज ट्राइसमेटा मेटा। मेटा क्या रहे, ये ऑप्शन बी ऑप्शन बी ए फोर देख रहा हूँ, ए फोर बी थ्री, एका फोर है, ये एक ऑप्शन में है। बी थ्री, हाँ एक का ही हो गया, अरे भाई चेक कर रहा हूँ, बी थ्री सी टू और डी वन। ठीक है, ये तो बहुत इजी था क्योंकि एक का ही था ना, तो इतना यस टाइम सर। आपको नहीं यस लगाना है, मैं तो चेक कर रहा था कि बस सही है। ठीक है,
ओके रुकते हैं अभी, नेक्स्ट लेक्चर में खत्म करेंगे। ओके गुड नाइट। गुड नाइट सर, थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू सर, गुड नाइट सर। थैंक यू सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट, बाय सर, बाय बाय।